हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वाई टू मैथ क्लासेज में। आज हम लोग इस वीडियो में एमटीएस यानी कि एमटीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके पिछले सत्रों में यानी कि 2019 में आया हुआ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी टाइप का आपके 2023 में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखना। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारे पास क्या है। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न हमने ले लिया है संख्याएं यानी कि संख्याओं 12, 16 एवं 18 का चौथा समानुपात क्या है। यानी कि देखिए दोस्तों, इस तरह के प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, यानी कि पूछे जाते नहीं, पूछे गए हैं, इसलिए आप इसे ध्यान से देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, हमें पूछा है कि चौथा समानुपातिक मान यानी कि चौथा समानुपातिक मान क्या होगा हमारे पास। तो देखिए, इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे आसानी से हल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यानी प्रथमानुपात हमारे पास क्या है, प्रथमानुपात हमारे पास है 12। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे हम अनुपात का चिन्ह। उसके बाद दूसरा अनुपात क्या है हमारे पास, 16। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखते हैं हम समानुपात, यानी कि समानुपात कहते हैं चार बिंदी को। तो देखिए, उसके बाद लिखेंगे हम 18, यह हो गया हमारे पास तृतीय अनुपात, यानी कि यह हो गया पहला अनुपात या दूसरा या तीसरा। उसके बाद हमसे पूछा है चौथा, यानी कि चौथा अनुपात, चौथा समानुपात क्या होगा। तो इसको मान लेंगे हम x, क्योंकि हमें यही ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, इसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरह के प्रश्नों को करने का नियम होता है कि अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर का गुणा। तो देखिए दोस्तों, अंदर और अंदर का गुणा कराएंगे तो क्या होगा, यानी कि 16 गुणे 18 बटे में बाहर बाहर का गुणा, यानी कि 12 गुणे x। अब इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, यह 4 काटेंगे तो 4 3 12, 4 4 16। अब 3 से काट देंगे 18 को, 3 6 18, यानी कि यहाँ से यह हो गया 6 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
चतुर्था अनुपात, यानी कि यही हमारा राइट उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। तो फिर चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। तो फिर चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारे पास क्या दिया है, अगला प्रश्न हमारा लाभ और हानि से दिया है। तो देखिए दोस्तों, यह भी हमारा MTS में पूछा गया प्रश्न है, यानी कि इस तरह के प्रश्न आपके परीक्षाओं में आने की संभावना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या लिखा है, एक रेफ्रिजरेटर का लागत मूल्य 28,000 रुपये है, दुकानदार उस पर 20% छूट देता है और 10% की हानि उठाता है, रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य क्या है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को भी हम आसानी से हल करना सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हमारे पास लागत मूल्य कितना दिया है, 28,000, यानी कि लागत मूल्य होता है हमारे पास CP बराबर 28,000। उसके बाद देखिए, 20% की छूट देता है और 10% की हानि उठाता है, तो उसका अंकित मूल्य, यानी कि अंकित मूल्य क्या होता है, MP, यही हमें बताना है, यानी कि यही हमें इस प्रश्न में ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, MP, उसके बाद CP और उसके बाद SP। तो देखिए, CP तो हमारे पास दिया है 28,000। अब देखिए, इस पर क्या कहा है प्रश्न में, उस पर 20% छूट देता है। छूट हमारा किस पे मिलता है, छूट हमारा MP से CP पर मिलता है, और लाभ, यानी कि लाभ और हानि हमारा CP से SP पर, यानी कि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पर मिलता है, और छूट हमारा अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य पर दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हमारे पास CP तो ज्ञात है, अब हम ज्ञात कर लेंगे SP। तो SP पर कितना, SP पर 10% की हानि हो रही है। तो देखिए, यहाँ से 10% हानि होगी, कितना होगा, 28,000 का 10% हानि, यानी कि 90/100, क्योंकि हम पहले से अंतिम में आ रहे हैं, तो इसलिए हम सीधा गुणा करेंगे। अगर हम अंतिम से पहले में जाते तो उल्टा गुणा करते। तो देखिए दोस्तों, 2 0 2 0 कट गया, यह हो गया हमारे पास 90/72, हासिल लगा 7, 9 दूनी
अठारह सात पच्चीस, यानी कि अठारह सात पच्चीस, तो यह हो गया हमारे पास पच्चीस इकाई ना सैकड़ा हजार दस हजार पच्चीस हजार दो सौ। देखिए दोस्तों, 25,200 हमारा सीपी यानी कि विक्रय मूल्य हो गया। अब हम यहाँ से पता कर सकते हैं एमपी यानी कि अंकित मूल्य। तो देखिए 25,200 में हम 20% का उल्टा गुणा करेंगे, क्योंकि हमारे पास पहला ज्ञात करना है और अंतिम दिया है। तो देखिए यहाँ से 25,200 गुणे करेंगे 100/80, क्योंकि 20% छूट देने का मतलब है 100 में से 20 को माइनस करेंगे तो यह हो गया 80। अब इसको काटेंगे तो यह हमारे पास कितना होगा, 8 काटेंगे तो 8 छंग यानी कि 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, बचा कितना 1, यह हो गया 12, 8 के 8, बचा कितना 4, 8 पंचे 40, बचा कितना 0, यानी कि 1 0 यहाँ से 2 0 यहाँ से, यानी कि यह हो गया हमारे पास, सॉरी यहाँ पर 1 0 और होगा, यह हो गया हमारे पास इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दस हज़ार लाख, यानी कि 3,15,000 रुपये हमारा अंकित मूल्य था, यानी कि हमारे सामान पर यानी कि रेफ्रिजरेटर में इतना रुपये हमारे पास लिखा हुआ था और हमने इसे इतने रुपये में बेचा यानी कि 25,200 में, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो फिर चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये दोनों प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। अब हम मिलते हैं अगले क्लास में यानी कि अगले वीडियो में कुछ अगले टॉपिक के साथ। इसलिए आप हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।